हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों बहुत दिनों के बाद क्रिप्टो को बैन करने के बारे में बातें की गई है, मतलब ये जो क्रिप्टो बैन का नाम है ये हवा अभी फिर से चालू हो चुकी है। आप लोग जानते हैं बहुत पहले खबर आती थी कि क्रिप्टो को बैन करना चाहिए, लेकिन हाँ बीच में उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी यहाँ पर आज के दिन फिर से खबर सुनाई दी है क्रिप्टो बैन को लेकर, और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने नहीं कहा है। किसने कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओवरऑल क्या है ये पूरा का पूरा मुद्दा, इसी चीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट का ओवरऑल कंडीशन क्या है, कहां तक जा सकता है, ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल पे जाके फॉलो कर लीजिए, हमारा चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ट्विटर पे हमने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप डाला हुआ है जिसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और इसी में यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर की गई हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियो प्ले करके। तो ये वीडियो क्लिप अभी मैं यहाँ पर प्ले नहीं करने वाला हूँ, आप इस वीडियो क्लिप को जाके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे इस आर्टिकल में तो वही चीज को यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। देखिए यहाँ पर जो आरबीआई है उन्होंने कहा है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो को बैन करने के लिए हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पर ये जो बैन है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है टी रविशंकर जी, उनका कहना है कि जो बीटीसी है उसके अगेंस्ट हमने अपनी सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जाके देख लीजिएगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा सीबीडीसी क्या है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, वो सारा चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उनका यहाँ पर कहना है ये है कि हमने क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है, और ये सेंट्रल बोर्ड डिजिटल करेंसी काफी सारे यूज क्रिप्टो के हटा देती है। अभी इनका कहना यह है कि ये जो सीबीडीसी है इसके लॉन्च होने के बाद जो क्रिप्टो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सीबीडीसी है वो क्रिप्टो से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि अगर आप बीटीसी के फंक्शन और प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग है, और जो सीबीडीसी है वो बिल्कुल अलग है। एक सीबीडीसी पूरा का पूरा स्टेबल कॉइन है, लेकिन हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एकदम फ्लैक्चुएट होता रहता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ देखा जाए तो जो सीबीडीसी है वो फास्टर पेमेंट ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज है जो फीचर्स है वो यहाँ पर सेम बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो क्रिप्टो है और जो सीबीडीसी है वो सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और हमें आपको बता दूं पार्लियामेंट के अंदर एक चीज के बारे में और डिस्कशन किया गया है, आपको याद होगा कि 2021 के अंदर बहुत सारे चाइनीज लोन ऐप आए थे जो कि काफी सारे लोगों को लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे और बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के डिटेल के साथ वो लोन दे देते थे, लेकिन फिर वो जो एप्स है वो लोगों से पैसे की डिमांड करते थे। वो क्या करते थे कि फोन से जो उनका पर्सनल डेटा होता है, पर्सनल फोटोज होता है, जो केवाईसी वगैरह होता है, वो सब चोरी कर लेते थे, और चोरी करने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था, जिनके वजह से काफी सारे लोगों ने सुसाइड भी किया था, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, काफी सारा पैसा उनका छीन लिया गया था। तो इनका यहाँ पर कहना यह है कि इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है, अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा फैसला क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हमारी जो सरकार है उनको प्ले स्टोर से सारे जो फाइनेंशियल ऐप है उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद ही इनको अप्रूव करना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमने काफी सारे फाइनेंशियल ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया है, और हाँ इसके ऊपर अभी प्रोसेस में काम चल रहा है, हमारी बहुत सारी डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर काम जो है वो जारी हो रखा है। जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर भी आप लोग जानते होंगे बहुत सारे यहाँ पर जो अकाउंट है वो क्रिएट हुए थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ से जो पैसा है वो हमारे एक्सचेंजेस तक पहुंचाया जाता था, और उसके बाद ये जो पैसा है वो यहाँ से बाहर कहीं और भेज दिया जाता था, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आया था। और हाँ इसके ऊपर हमारे जो वजीर एक्स है वो भी काफी बार यहाँ पर फंस चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बताया हुआ था, देख सकते हैं। तो इसके ऊपर काफी सारे केसेस चल रहा है, तो उन्हीं सब के ऊपर यहाँ पर काफी सारे सवाल जो है वो पूछे गए हैं। ये दो सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, जहाँ पर आरबीआई जो है वो बैन को लेकर पूछ रही है, और दूसरा जो है वो लोन ऐप के ऊपर लेके कहा जा रहा है। बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो देख सकते हैं दोस्तों वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से अनुमान ये लगाया जा रहा है कि BTC का जो प्राइस है वो आने वाले समय में यहाँ पर डाउन जा सकता है, जो कि देखा जाए तो लगभग लगभग 13,500 के आसपास BTC का प्राइस आपको दिख सकता है। और अगर दोस्तों हम यहाँ पर एक वीक का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे काफी बार इस एरिया में 13,500 के एरिया में काफी बार यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट बनाते हुए गया है। तो यहाँ पर आशा ये है कि 13,500 तक प्राइस जो है वो आ सकता है, उसके बाद हो सकता है फिर ऊपर की ओर यहाँ पर जाता हुआ आपको देखने को मिले। तो अभी तो फिलहाल हमें देख के यही लग रहा है कि BTC का जो प्राइस है वो आने वाले समय में 13,500 के आसपास दिख सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू।